वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीमा पार से घुसपैठ की बड़ी कोशिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी है। सेना ने अब तक एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे 6 आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से भेजे गए आतंकी रात के अंधेरे में सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के मुस्तैद जवानों ने ऐसा होने नहीं दिया। सेना को इसकी भनक लगी, इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी में 5 आतंकी मारे गए हैं। इलाके में अब भी बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 6 आतंकियों को मार गिराया है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है, जम्मू कश्मीर से आ रही है ये बहुत बड़ी खबर। जम्मू के कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने। 6 आतंकियों को केरन सेक्टर में मार गिराया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। जम्मू के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी, केरन सेक्टर की यह खबर है। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है, फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कुल कितने आतंकी थे जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे? अमंद्रा, जो जानकारी मिली है, जो सुबह से ये एनकाउंटर चल रहा था, 6 आतंकी मारे जा चुके हैं, 6 की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं और ये जानकारी मिली है कि ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से आए थे, एलओसी पार करके घुसने की कोशिश कर रहे थे केरन सेक्टर में। वहीं पर ये फायर फाइट हुई जिसमें ये 6 आतंकवादी मारे गए हैं। ये पिछले एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई है और दूसरी बार जो है घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है भारतीय सेना ने। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी भारत के सुरक्षा बलों के लिए। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है पाकिस्तान की तरफ से। ये भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, यही नहीं, इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।